खाली है जा रहे हैं, तो देखता हूँ लोड करके। हाँ ये काफ़ी खाली है तो इसमें लोड कर। ये देखो जी भाई। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह हो गई है जी, ये देखो टेंट में पूरा ओस पड़ चुका है थोड़ा थोड़ा। ये कुछ है जी पेट्रोल पंप, चलें पास में बाथरूम में फ्रेश होते हैं और दुकान है, कुछ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, चाय बना के नाश्ता करके फिर निकले आगे यार। तो पूरा पहाड़ी एरिया शुरू हो गया अब, सामने देखो। अब यहाँ से लोनावला जाएंगे, ज़बरदस्त हिल स्टेशन है, मज़ा आ जाएगा। काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है भाई। तो यार ये पेट्रोल पंप वालों का अपना शॉपिंग वो भी है, बाज़ार भी है छोटा सा। चलो यहाँ से ले लेते हैं बिस्किट वगैरह। ये अब खुला है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ये देखो अपना इनका है, ये देखो यहाँ पे भी इनका अपना छोटा सा बाज़ार है। हाँ ये खुला ही है, अभी खोल रहा है वो लड़का। चलो ले लेते हैं हम भी। ये देखो कितना ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। क्या लें क्या लें, एक बिस्कुट आता था यार ज़बरदस्त, देखते हैं कहाँ है वो। हाँ ये वाला है, ये बिस्कुट बहुत ज़बरदस्त है। बिस्कुट करेंगे ब्रेकफास्ट और ये पेट्रोल पंप वालों का ही शॉपिंग वो है, क्या ज़बरदस्त है। ये लो भाई बिल देते हो क्या? आराम दे यार, क्या बिल लेना। तो ये ले लिया, अब चाय बना के चाय के साथ पियेंगे हम। चलें जी चाय वाय बनाए पिए, अपनी चाय बन रही है भाई। ये देखो और बिस्कुट भैया निकाल के रख लिया, करें चेक बिस्कुट कैसा है। ये फ्लेवर का मुझे बहुत टेस्ट लगता है बिस्कुट यार। ये है भाई ऑरेंज फ्लेवर के कोई बिस्कुट है ये। हाँ ऐसा लग रहा संतरा खा रहा हूँ। अपना ब्रेकफास्ट हो गया गरम, खाया जाए और टाइम हो गया 8 बज गए, जल्दी जल्दी पैक करके निकला जाए यार, पेट्रोल पंप में ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर मेरा टाइम ज़्यादा हो जाता, क्या करें। बढ़िया, तो पैकिंग वैकिंग करके निकल चुका हूँ जी। अब सुनने में आया है कि 10-12 किलोमीटर के आगे 10 किलोमीटर की पूरी घाट है लोनावला की, तो बुरी हालत होने वाली है, क्या पता साइकिल चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, देखेंगे। तो यार 8:30 हो चुके हैं, क्या करें, डेली टाइम हो जाता है यार पैकिंग वैकिंग करते हुए, जबकि अभी इतना सामान है नहीं। जब सर्दियाँ आएंगी और कपड़े लूँगा गर्म, सामान और ज़्यादा हो जाएगा। चलें भाई, आगे निकला वहाँ से चाय पानी पी के। तो ये हाईवे जा रहा था तो पास में गुरुद्वारा था, तो मैंने चलो मत्था टेक लेते हैं, साथ में लंच हो जाएगा अपना, अच्छे से कर लेते हैं। ये जी बाबा जी का स्थान, जय हो बाबा जी। ये बाबा जी का स्थान। तो जी दाल और रोटी आ गए प्रसाद में, लंगर वंगर चख लिया, अब निकले। 10-15 किलोमीटर तक रास्ता थोड़ा ठीक है, उसके बाद सीधा घाट लगेगा, खंडाला घाट, तो बुरी हाल होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। चलें जी, लंच हो गया ज़बरदस्त, दाल रोटी और चाय पी ली, अब निकले भाई। थोड़ा आगे जा रहा था तो ये भैया मिले, उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी रुकवा के। तो भैया क्या नाम है आपका? मंगेश। मंगेश कहाँ से आप? मैं मुंबई से। मुंबई से पुनः ट्रैवलिंग कर रहा हूँ अभी। अच्छा, आपको देखा इसके लिए मैं रुका। बहुत बहुत थैंक यू जी, भैया ने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेके दे दी। और बात ऐसी कि यहाँ से घाट कितने किलोमीटर है? अभी ये मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर का है। तो 20-30 किलोमीटर पूरा घाट है, तो भैया बोलते हैं कि एक काम करो मैं आपको लिफ्ट देता हूँ, तो
से इनका ये गाड़ी है पिकअप, तो देखता हूँ इसमें अगर जगह है, तो जगह तो है शायद, तो खाली है जा रहे हैं, तो देखता हूँ लोड करके। हाँ ये काफ़ी खाली है, तो इसमें लोड करते हैं, चलते हैं भाई। 20-30 किलोमीटर मेरी हेल्प भी हो जाएगी। वैसे तो पूना तक जा रहे हैं, लेकिन मुझे नौलावदा जाना है तो वहाँ तक चलता हूँ। तो यार बहुत 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 शुक्रिया भैया आपका। चलो लोड करते हैं और निकलते हैं फिर, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है, तो थोड़ी हेल्प मिल जाए तो क्या चाहिए। तो जी साइकिल अपना यहाँ लोड कर लिया, तो ठीक है जी, भगवान कहाँ से आ गए। 20-30 किलोमीटर का घाट अगले आधे घंटे में कवर हो जाएगा। तो वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी गर्म थी इसलिए मैंने चेंज करवा लिया। कितना ही है? चलो कोई बात नहीं, चलेगा। तो जी गाड़ी होगी लोड, तो चलते हैं भाई। किस्मत बड़ी अच्छी है मेरी यार, आप कहाँ से आ गए भगवान की तरह। गाड़ी शुरू हो गई है, आधे पौने घंटे में तो पहुँच जाएंगे। हाँ, नहीं तो ऐसे मेरे को लगता कम से कम 3-4 बज जाते मेरे को। 3-4 आपको? हाँ, दो तीन तो बज ही जाते आराम से, क्योंकि घाट पूरा बुरी हाल होती है। चलो जी बढ़िया यार। चुके हैं टनल के अंदर, ये देख सकते हो टनल है। अभी हम आ चुके हैं लोनावला सिटी के अंदर, ये है सिटी। अभी यहाँ से कितना दूर होगा? क्या वही जो गुफा वगैरह में जाना है? 2-3 किलोमीटर। उसी रास्ते से जाना ना आपने भी? वही पर। अच्छा ठीक है ठीक। तो ये है यहाँ अंदर जाके मेरे ख्याल में बस स्टैंड भी है शायद। हाँ ये बस स्टैंड, क्योंकि लास्ट ईयर आया था ना मैं, तो थोड़ा बहुत याद है मुझे। हाँ ये बस स्टैंड, देखो बस निकली ना, अब यहाँ से सीधा आगे जाना है हमको। चलिए जी ये आगे जाके है बस स्टैंड। लोनावला, और यहाँ पे एक गुफा है, जगह का नाम तो याद नहीं मुझे, अभी बताता हूँ। वहाँ जाके पहाड़ों के अंदर गुफा बनी हुई, इतनी खतरनाक खतरनाक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो वो आए हूँ मैं देखने के लिए। पिछले साल भी आए थे, लेकिन हम आधे रास्ते से वापस हो गए, तो अब जाता हूँ। इस साल आया हूँ तो इस साल देखते हैं कैसा है क्या, और आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त। और फिर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ मानसून के टाइम में बारिश होती है, एकदम ठंड रहती है, बड़ा मज़ा आता है। अभी क्या एकदम सूखा सूखा है, देखो धूप है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ घूमने का। बरसात के टाइम बड़ा सही मज़ा आता है। बाकी सब अपनी साइकिल पार्क कर ली है मैंने, ये है अपनी साइकिल, और ये पीछे दुकान वाले हैं, इनको बोला देखने के लिए, और यहाँ से ऊपर जाना मुझे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के। तो भैया देखना ठीक है, कोई छेड़े ना यार। तो ये सारे यहाँ पे प्रसाद वरसाद वगैरह सामान वगैरह मिलता है, जो भी लोग आते हैं सारे। देखो काफ़ी बड़े दुकान है, तो देखो कितना कुछ मिलता है, ये मिल्क केक वगैरह सब। वाह ठीक है भैया, ये दुकान यहाँ से चढ़ के जाएंगे सीधा ऊपर। चले जाते हैं, दिखाते हैं आपको, माता का मंदिर भी है और जो केव भी है, कारला केव है किस जगह का नाम, तो वहाँ भी चलते हैं। पहाड़ों के अंदर इतना ज़बरदस्त चीज़ बना है, वो दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो भाई पूरे सीढ़ियाँ खड़ी चढ़ाई, 360 सीढ़ियाँ, जिसमें से अभी मैंने टोटल 60 भी नहीं चढ़ी होंगी भाई। आप बताऊं भाई, या भाई ऐसा लग रहा है मैं वैष्णो देवी आ गया यार। पूरी सामने सामने दुकानें दुकानें सीढ़ियाँ, यार ऐसा लग रहा है वैष्णो देवी आ चुका हूँ, पता नहीं क्या सेम वैसे ही लग रहा है भाई। कितना दूर है भाई यहाँ से? और मंदिर और गुफा दोनों एक ही है? 150 स्टेप्स मतलब पास ही है। ये देखो ये काले अंगूर की सूंगी, ये सफ़ेद अंगूर की। आंटी छाछ बेच रही है।
भाई चढ़ाई देखो कितनी है। आ गया जी फाइनली, ये देखो भाई क्या खूबसूरत नजारा है भाई, चट्टानों के अंदर काट के बनाया हुआ है मंदिर। ये है जी कुछ एंट्रेंस, ये देखो भाई, चलो अंदर दर्शन करके आता हूँ फिर बताता हूँ आपको क्या है कैसा है। यहाँ से अंदर जाने का चलो सरा, सरा, सरा। चलो जी चलो दर्शन हो गया, अंदर केव की तरफ जाते हैं, वो दिखाते हैं आपको कैसा। ये देखो जी भाई, तो भाई इसके अंदर जाने का टिकट लग रहा है यार, मैं तो सोचा फ्री में होगा, चलो जो फ्री वाला वो टिकट देख रहा है। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे टिकट नहीं है इसलिए मैं आ गया हूँ। देखो भाई ये पत्थरों को खुद छीनी मार मार के तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है, ये आग जलाया हुआ था शायद इसलिए काले पड़ गए। यार देखो क्या बनाया हुआ भाई, पूरा आदमी के रहने जैसा बनाया हुआ है यार। ये देखो मूर्ति वगैरह, पता नहीं कौन से भगवान की, जैन भगवान की मूर्ति है किसकी है। चले भाई ये तो था फ्री वाला, इसमें टिकट लगी नहीं इसलिए यहाँ से चलते हैं, दूसरी साइड में टिकट लगेगा वो 10-20 रुपये होगा तो दे दूँगा, महंगा होगा फिर नहीं दूँगा। गया हूँ जी हाईवे में, निकल गया वहाँ से मैं, अब यहाँ से 60 किलोमीटर पूना, देखते हैं आज शाम तक कितना चल पाते हैं। और गुरुद्वारे में जो लंगर खाया था वो 11 बजे खाया था और अभी बज रहे हैं 2:30, तो भूख लग गई है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और देखते हैं आगे सस्ता क्या मिलेगा खाने को तो फिर वो खा लेंगे चलें। तो जी ये है खाने वाला, पता नहीं क्या है, 15 रुपये का भाई ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें मिक्सचर मुक्चर है, दाल है, मसाले मसूले हैं, नींबू है, वाह भाई। ये पाव है और ये दाल है, दाल के साथ मिसल पाव है कि पता नहीं कुछ ऐसे ही, बोल तो 15 रुपये लेती है, पता नहीं कितना लेती है, 15 तो नहीं होगा, 25 ज़रूर होगा। पेट भरने के लिए। तो जी मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारे में और टाइम हो गया है 7, और यहां से है 25 किलोमीटर पुणे, तो सुबह पहुंच जाऊंगा 10-11 बजे तक। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।